नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे, और बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध कार्रवाई करने के सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि सीहोर में बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनी सख्ती से रोकने की कार्रवाई की गई। इंदौर नाका रोड सीहोर स्थित अंजनी धाम कॉलोनी और गणेश मंदिर रोड गोपालपुरा में अजय राय, विद्या राय और शिवम राय द्वारा अवैध रूप में बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वॉल एवं अन्य स्ट्रक्चर नष्ट किया गया। एसडीएम वर्मा ने बताया कि अवैध कॉलोनी एवं ऐसे कॉलोनाइजर के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जारी रहेगी। कार्रवाई नायब तहसीलदार रिया जैन, नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री रमेश वर्मा और नगर पालिका सीहोर की टीम द्वारा की गयी। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।